आई केम बाय मूवी की शुरुआत होती है। दो नकाबपोश लड़के दीवार पे कुछ पेंटिंग बना रहे होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी के घर में चोरी छिपे घुसे हों। पेंटिंग खत्म करके वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है हमारी मूवी के मेन करेक्टर टॉबी की, जो कि अपने दोस्त जय के साथ वो पेंटिंग बना के भाग रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि टॉबी बड़ी होशियारी से एक अमीर व्यक्ति से पैसे निकलवा के एक भिखारन को देता है, जो कि सबवे में स्टेशन के किनारे बैठी होती है। इससे पता चलता है कि टोबी अमीर व्यक्तियों को कुछ खास पसंद नहीं करता। इसके बाद टोबी घर पहुंचता है और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे में सोई हुई थी। टोबी के फादर नहीं होते हैं, वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। जिस घर में टोबी ने पेंटिंग बनाई थी, उस घर का मालिक आके घर पे देखता है तो हैरान हो जाता है। दीवार पे ग्रेफिटी आर्ट बनी होती है जिसपे लिखा होता है आई केम बाय। यहाँ ये पता चलता है कि टोबी और उसका दोस्त अमीर लोगों के घरों में घुसते हैं और वहाँ ये ग्रेफिटी आर्ट बना के आते हैं जिसमें लिखा होता है आई केम बाय। यहाँ एंट्री होती है हेक्टर ब्लेक की, जो पेशे से एक रिटायर्ड जज होता है और टोबी और उसके दोस्त जय का नेक्स्ट टारगेट भी होता है। जय हेक्टर के घर में ही गार्डनिंग का काम कर रहा होता है। काम खत्म करके अपनी बनाई हुई ग्रेफिटी आर्ट को न्यूज़ में देख के जय बहुत खुश होता है और किसी तरह मौका पाकर वो हेक्टर के घर में घुस जाता है और उसके वाईफाई का पासवर्ड चुरा के टोबी को भेज देता है। टोबी पार्क में एक्सरसाइज कर रहा होता है और साथ ही साथ वो हेक्टर ब्लेक के बारे में ऑनलाइन पढ़ रहा होता है। यहाँ जय की गर्लफ्रेंड नाज की एंट्री होती है, जो उसे उसके प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी देती है, जिससे जय बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जय टोबी को मिलने के लिए बुलाता है और नाज के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ उसे देता है और साथ ही ये भी बोलता है कि अब वो ये काम और नहीं कर सकता, क्योंकि अब उस पर दो लोगों की जिम्मेदारी आ गई है। ये सुनकर टोबी गुस्सा हो जाता है और उसे समझाता है कि हमें हेक्टर ब्लेक के घर में ज़रूर घुसना चाहिए, लेकिन जय टोबी को बताता है कि हेक्टर एक अच्छा इंसान है और रेफ्यूजीज़ के लिए बहुत हेल्प कर रहा है। टोबी जय की बात नहीं मानता और उसे यह बोल के चला जाता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो अकेला उसके घर में घुस जाएगा। अगले सीन में टोबी की माँ लीज़ा को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से एक काउंसलर होती है। अगले सीन में टोबी हेक्टर ब्लेक के घर में घुस जाता है और ग्रेफिटी बनाने के लिए जगह भी ढूंढ लेता है, लेकिन तभी उसे बेसमेंट से कोई आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए वो नीचे बेसमेंट में जाता है। दूसरी तरफ एक्टर ब्लेक को फ़ोन में वार्निंग आती है कि उसके घर का अलार्म फेल हो चुका है। तभी टोबी को एक्टर की बेसमेंट में एक लाल दरवाज़ा मिलता है। उस दरवाजे के छेद से अंदर झांक के वो एकदम हैरान होकर गिर जाता है। इतनी देर में एक्टर भी अपने घर पहुँच जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि उसकी एब्सेंस में कोई घर में ज़रूर घुसा है, लेकिन टोबी वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। वो आके सारी बात जय को बताता है और जय को दोबारा उसके साथ उसके घर में चलने के लिए कहता है, लेकिन जय उसके साथ चलने से इनकार कर देता है और अपने घर में चला जाता है। जिसके बाद टोबी पुलिस में फ़ोन करके हेक्टर के घर में जो जो देखता है वो बता देता है। जिसके बाद हेक्टर के घर में पुलिस तलाशी लेने आती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो वापस लौट जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर टोबी अपनी माँ से लड़ पड़ता है, जिस पर टोबी की माँ उसे एक तमाचा लगा देती है। गुस्से में आके टोबी घर छोड़ के भाग जाता है और दोबारा ब्लेक के घर में घुस जाता है। लेकिन ब्लेक बहुत शातिर इंसान होता है, वो घर के बाहर रुक के टोबी के घुसने का ही इंतज़ार कर रहा होता है। इस बार टोबी वो लाल दरवाज़ा खोल लेता है, जिससे पता चलता है कि ब्लेक ने किसी को बंदी बना रखा था, जो कि बहुत ही कमज़ोर और घायल अवस्था में था। टोबी उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में हेक्टर वहाँ पहुँच जाता है और वो टोबी को मार देता है। हेक्टर सारे सबूत और टोबी की बॉडी को काट के एक फर्नेस में डाल के जला देता है और उस फर्नेस की राख को अपने घर के टॉयलेट में फ्लश कर देता है, ताकि कोई सबूत ना मिले। जब टोबी कुछ दिन घर नहीं आता तो उसकी माँ जय को बुलाती है और उससे टोबी के बारे में पूछती है और उसे ये भी बताती है कि उसने पुलिस में इत्तला कर दी है, लेकिन जय पुलिस ऑफिसर को हेक्टर ब्लेक के बारे में कुछ नहीं बताता है। लेकिन वो टोबी की माँ लीजी की हेल्प करना चाहता है, इसलिए हेक्टर के घर के बाहर से मेल बॉक्स से एक लेटर चुरा लेता है, लेकिन वो लेटर चुराता हुआ पकड़ा जाता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो किसी तरह पुलिस से बच निकलता है और चुराया हुआ लेटर टोबी के ड्रॉर में रख देता है, जो कि उसके माँ लीजी के हाथ लग जाता है। लीजी वो लेटर पुलिस ऑफिसर को देती है, जिसके बेसिस पे वो पुलिस ऑफिसर हेक्टर ब्लेक के घर में तलाशी लेते हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर को बेसमेंट में वो लाल दरवाज़ा मिलता है। जब वो उस कमरे को खोलते हैं तो वो खाली होता है, क्योंकि हेक्टर पहले ही सारे सबूत ठिकाने लगा चुका होता है।
लेकिन पुलिस ऑफिसर के काम में बाधा डालने के जुर्म में वो ऑफिसर हेक्टर ब्लेक को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अपनी अच्छी जान पहचान और रसूख के चलते हेक्टर ब्लेक वहाँ से छूट जाता है। तभी लिजी को टॉबी के ड्रॉर से एक पेन ड्राइव मिलती है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, जिसके बाद लिजी हेक्टर ब्लेक का पीछा करना शुरू कर देती है और उसे हर जगह फॉलो करती है। यहाँ हेक्टर एक गे ईरानी लड़के से अपनी मसाज करवा रहा होता है और उसे अपने घर पे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। जब वो लड़का ब्लेक के घर में घुसता है तब लिजी भी वहीं होती है। यहाँ ये पता चलता है कि हेनरी ब्लेक के फादर को एक रिफ्यूजी गे लड़के से प्यार हो गया था, जिसके चलते उसकी मदर ने सुसाइड कर ली थी। इस वजह से हेक्टर ब्लेक रिफ्यूजीज को पसंद नहीं करता और उसे ये भी बताता है कि कैसे उसने उस रिफ्यूजी लड़के को मारा था। तभी वो ईरानी लड़के की ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो ईरानी लड़का किसी तरह हेक्टर के चंगुल से भाग निकलता है, जिसे घर के बाहर खड़ी लिजी बचा लेती है। लिजी ये सारी बात पुलिस ऑफिसर को बताती है, जो कि उसे समझाती है कि वो हेक्टर का पीछा ना करे, क्योंकि उस ईरानी लड़के ने कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की है और बिना पुलिस कंप्लेंट के वो हेक्टर ब्लेक को कुछ नहीं कह सकते। उधर ब्लेक किसी तरह उस ईरानी लड़के को अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है, और जब उसका फ़ोन चेक करता है तो उसमें लिजी के मैसेजेस देखता है। तब उसे पता चलता है कि लिजी उसी लड़के की माँ है जिसे उसने पहले मारा था। तभी लिजी को उस पेनड्राइव से ग्रेफिटी वाली इमेजेस मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि टोबी और जे मिलके ये ग्रेफिटी बनाते हैं, और वो जे को हेक्टर के घर में घुसने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जे मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके बच्चे और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। जिसके बाद लिजी जे को वहीं छोड़ के चली जाती है। तभी लिजी एक दिन मौका देख के हेक्टर के घर में घुस जाती है, लेकिन हेक्टर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे ईरानी लड़के की बॉडी भी दिखाता है और उसे ये भी बताता है कि उसके लड़के टॉबी को भी उसने मार दिया है और उसकी राख को फ्लश कर दिया है। सब कुछ बताने के बाद वो लिजी को भी मार के उसी भट्टी में जला देता है। काफ़ी दिनों तक लिजी से बात ना होने के कारण जय उसके घर में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लिजी काफ़ी दिनों से घर ही नहीं आई है। जिसके बाद वो हेक्टर के घर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि हेक्टर ने वो घर बेच दिया है। तब वो नाज को बताता है कि लिजी अब इस दुनिया में नहीं रही, कि अगर वो चाहता तो लिजी को बचा सकता था। जिसके बाद जय हेक्टर का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए वो उसके नए घर में पहुंच जाता है, जहां वो सोए हुए हेक्टर पे हमला कर देता है और उसे अच्छा खासा पीटकर घर के बाहर गैराज में आ जाता है, जहां उसे सेम वैसा ही लाल दरवाज़ा मिलता है जैसा टोबी को मिला था। दरवाज़ा खोलने पे उसको एक घायल लड़का मिलता है जिसे वो बाहर ले आता है। इसके बाद जय खुद वहाँ से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि जय ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। तभी दिखाते हैं कि हेक्टर ब्लेक को जय ने टेप से बांध रखा है और उसके पीछे वाली दीवार पे एक ग्रेफिटी बना रखी है जिस पे लिखा था आई केम बाय, और यही मूवी ख़त्म हो जाती है।